रेप और मर्डर जैसी भयानक घटनाएं होती हैं। पुलिस की नींद खुलती है, जनता न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरती है। दबाव पड़ता है तो फाइलें एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर में पहुंच जाती हैं। मामला कोर्ट पहुंचता है, लेकिन जब तक इंसाफ मिलता है तब तक एक और बलात्कार हो चुका होता है। जी हाँ, एक और नर्स के साथ बलात्कार का मामला सामने आ गया है। मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। घटना 17 अगस्त के रात करीब 7 बजे की है। आरोप है कि हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करने वाली एक 20 साल की लड़की का बलात्कार किया गया। रेप करने वाला उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है। कथित आरोपी का साथ देने वालों में एक वार्ड बॉय और दूसरी नर्स का भी नाम सामने आया है। पीड़ित नर्स के पिता ने बताया, मेरी बेटी पिछले 10 महीनों से इसी अस्पताल में काम करती है। रात के 7 बजे से उसकी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाती है। 17 तारीख को ड्यूटी के दौरान महनाज नाम की एक नर्स मेरी बेटी के पास आई और बोली कि उसे डॉक्टर शाहनवाज बुला रहे हैं। मेरी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जुनैद नाम का एक वार्ड बॉय आया और जबरदस्ती बेटी को शाहनवाज के कमरे में ले गया। महनाज भी वार्ड बॉय का साथ दे रही थी। दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को डॉक्टर के कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने उसका रेप किया। वार्ड बॉय ने मेरी बेटी का फोन भी छीन लिया था। पीड़ित के पिता ने आगे बताया कि उनकी बेटी सुबह 10 बजे करीब घर पहुंची तो उसकी तबीयत खराब थी। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार शाहनवाज पीड़ित को जाति सूचक गालियां दी और साथ ही धमकी दी कि चाहे जितने पैसे चाहो मांग सकती हो, लेकिन अगर किसी के सामने जुबान खोली तो जान से मार दूंगा। पुलिस प्रशासन ने बताया कि घटना के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। रेप के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। घटना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शाहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा BNS की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2) और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलदीप सिंह का कहना है कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही वो पीड़ित के परिवार से भी मिलेंगे। बाकी आप समझिए कि एक ओर तो हम समाज में बलात्कार बंद करने की मांग करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन प्रशासन इसके लिए किस हद तक काम कर रहा है आप समझ सकते हैं। एक अस्पताल में भी एक महिला सुरक्षित नहीं है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।